जयपुर से ही अगली खबर भी है क्योंकि शहर में भारी बारिश और मंत्रियों के बंगलों में भी पानी घुस गया है। बारिश से आम से खास सब परेशान हैं। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की नजर तो बनी हुई है लेकिन मंत्रियों के बंगले में भी पानी घुस गया है। ये तस्वीरें आई हैं सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मंत्रियों के बंगलों में पानी किस प्रकार से घुसा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं। निकलना मुश्किल हो गया है यहां से। पूरा एरिया मंत्रियों के आवास यहां पर, और देखिए किस प्रकार से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से एसएमएस अस्पताल में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रात भर चली बारिश के बीच में एसएमएस के आईसीयू में फास्ट सीलिंग गिर गई। नॉर्थ और साउथ विंग के बेसमेंट में पानी भर गया। मंडपम से निकाला जा रहा है पानी। सेठिया आईसीयू और न्यू मेडिकल आईसीयू में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चरक भवन से लेकर कार्डियोलॉजी टावर तक दरिया नगर निगम का सीवरेज जाम होने के चलते पानी पानी हो गया। मरीज और तीमारदार परेशान हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। दामोदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर बेहतर जानकारी के साथ कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। दामोदर, सिस्टम लाचार है, बारिश मूसलाधार है, लेकिन एसएमएस अस्पताल का क्या हाल है जरा बताएं। देखिए, एसएमएस अस्पताल हॉस्पिटल में जहां मरीजों का इलाज होता है, क्योंकि जो घायल अवस्था में या कह सकते हैं कि पीड़ित अवस्था में लोग आते हैं इलाज के लिए, लेकिन जब बारिश के, क्योंकि देर रात से जो बारिश बरस रही है उसके बाद से अस्पताल में जिस तरीके से पानी का भरा हुआ है उसके बाद से मरीज भी परेशान है तो हॉस्पिटल प्रशासन भी परेशान हो चुका है, क्योंकि किस तरीके से पानी को निकाला जाए। रात 10 बजे से लगातार बारिश हो रही है और सुबह 5 बजे जिस तरीके से पानी का फ्लो बना, और फ्लो के बाद में एसएमएस के जो बेसमेंट में वार्ड है उसमें पानी भरा हो गया। जिस हॉस्पिटल में जहाँ वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं वहाँ जो नीचे ग्राउंड में है वो पानी का भराव हो गया है, और तस्वीरों में आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ से कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं पानी का, जो पानी को बाहर निकालने के लिए मडपम्प के माध्यम से। और ये हमेशा की ये समस्या है कि हमेशा इस वार्ड में पानी भरा जाता है लेकिन इसका कोई सोल्यूशन आज तक नहीं निकाला जाता है। आखिर क्यों नहीं निकाला जाता है? क्योंकि जब भी बारिश आती है तब पानी भरा जाता है और वही समस्या और वही ढाई के तीन पात होते हैं। हमारे साथ जो स्टाफ है जो वार्ड में है तैनात, उनसे बात करते हैं। सर, कितना पानी यहाँ भरा था और कितने बजे यहाँ पानी का आ गया था और कितने मरीज यहाँ भरती? सर, यहाँ पर रात को 8 मरीज थे, सुबह लगभग सुबह 5 बजे के आसपास पानी आया था। मरीजों को हम वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं कि कहाँ पर शिफ्ट करना है, पहले से हमारे पास ऑर्डर है, हमने मरीजों को वहाँ शिफ्ट किया, उसके बाद मडपम्प ऑन कर दिया उसके बाद में, लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा था तो लगभग ये 9:30 बज गए उस पानी को निकालते हमको। सर, सारे स्टाफ, फोर्थ क्लास, ऊपर सब पानी आता कहाँ से, कैसे घुसता है, इसका कोई मतलब रोकने का कोई उपाय नहीं कर रखा है क्या? सर, ये घाट की घूनी से फ्लो एसएमएस की तरफ ही है, जो पानी के फ्लो के बीच में आता है एसएमएस। अब जैसे ही पानी उधर से फ्लो ज़्यादा होता है तो चरक भवन और इधर पूरे रोड पर बढ़ जाता है। रोड पर बढ़ने के बाद सर पानी का जो होता है जो सीवर से है ना वो बैक फ्लो करके इस वार्ड में आता है, क्योंकि नीचा है सर। तो इसका सर अस्पताल अपने स्तर पर पूरी कोशिश करता है लेकिन सर वो पानी की आवक दूर से, अस्पताल अपने स्तर पर कोशिश करता है पानी निकालने की लेकिन उस पानी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं क्या, ताकि जो हमेशा की जो समस्या है वो खत्म हो सके? सर, ये ऊपर लेवल का काम है, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये है कि अस्पताल में पानी बाहर से आता है इसलिए समस्या होती है। अस्पताल का खुद का पानी नहीं है, ये जो फ्लो का पानी घाटगुणी, राजा पार्क और आनंदपुरी है, यहाँ का पानी आके यहाँ पर ऊपर टक्कर देता है, उसकी वजह से यहाँ पर पानी भरा। ये हमेशा की समस्या है, जो वार्ड हेड है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से समस्या हमेशा होती है और आखिर में इसका सोल्यूशन क्यों नहीं किया जाता, ऊपर लेवल पर क्यों नहीं ये समस्या बताई जाती है ताकि इसका सोल्यूशन किया जा सके। जिस तरीके से जो एसएमएस में जो समस्या बनी हुई है उस समस्या को लेकर
लोग भी जो मरीज है वो परेशान रहते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि किस तरीके से जो वार्ड इंचार्ज है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये समस्याएं बनी हुई हैं। सर हमेशा जिस तरीके से जो समस्या है पानी बढ़ने की है उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता है, क्योंकि हर बार पानी बढ़ता है और यही समस्या होती है। मैं बताना चाहूँगा इस संदर्भ में आप अगर प्रशासन से बात करें तो उचित होएगा। प्रशासन से तो बात होगी लेकिन आपके स्तर पर प्रशासन से बात होती है कि ये हमेशा समस्या रहती है पानी की? कहते भी हैं, प्रशासन प्रयास भी करता है बट कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम इनका फेल है जिसको टोटली रेनोवेट करके ही बनाया जा सकता है, उसके बाद में कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी पहले बहुत ज़्यादा पानी बढ़ता था, अब एडवांस में उन्होंने मोटर वोटर रखी हुई है, सारा प्रयास कर रहे हैं कि भाई पानी भरेगा तो हम निकाल देंगे, लेकिन पहली बार हुआ है, बहुत कम होता है लेकिन फिर भी प्रयासरत हैं। ये वैकल्पिक व्यवस्था है, मड पंप लगाया, पानी निकाल दिया, ये कर दिया, लेकिन उस पानी का ही घुमाव क्यों नहीं घुमा दिया जाए ताकि जो हमेशा की समस्या दूर हो। कहीं कहीं बिल्डिंग के आसपास अवरोधक हैं जिससे कि पानी बाहर ना जाके कहीं यही नाले के थोड़ा अंदर घुस जाता है, उस बारे में और प्रशासन से और बात करते हैं। पहले भी पूर्व में काफ़ी अच्छी मतलब वो की है, इसीलिए स्ट्रेटजी तैयार की है लेकिन सफल नहीं हो पाया किसी कारण से। बट डेफिनेटली आपका एक जो ये क्वेश्चन है बड़ा वैलिड है क्योंकि पेशेंट को भी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है घुसने में, राउंड लेने में। तो उम्मीद करते हैं कि आगे चल कुछ सुधार होगा, देखते हैं सुधार हो। और भी हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे बात करने को देखिए क्योंकि लगातार हमेशा दामोदर आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे क्योंकि देखिए हर